ये वीडियो चैप्टर 13 करंट इलेक्ट्रिसिटी का पहला हिस्सा है, जिसमें हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, उसके क्या सोर्सेज हैं, डायरेक्शन, इफेक्ट्स और किस मीडियम में से करंट फ्लो कर सकता है। इलेक्ट्रिक करंट से मुराद है इलेक्ट्रिक चार्जेस का बहाव, फ्लो ऑफ चार्ज। अगर मेरे पास दो पॉइंट्स हों जिसमें से एक हाई पोटेंशियल पे है और एक लो पोटेंशियल पे है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और उनके बीच में एक कंडक्टिंग मीडियम है और उस मीडियम के अंदर फ्री चार्जेस हैं, तो वो खुद ब खुद हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करते हैं। इसकी मिसाल ऐसे है जैसे पहाड़ों के ऊपर से पानी खुद ब खुद ऊपर से नीचे की तरफ आता है फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से। इसी तरह जब हम पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं एक कंडक्टिंग मीडियम को, तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। मसलन एक वायर है मेरे पास जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स चार्ज कैरियर्स के तौर पे मौजूद हैं, एक कंडक्टिंग वायर है। इसके एक एंड को मैं 5 वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्ट करके हाई पोटेंशियल दे देती हूँ और दूसरा पॉइंट 0 वोल्ट पे है, ग्राउंड कर दिया। तो अब इलेक्ट्रिक चार्जेस खुद ब खुद हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करेंगे, बिल्कुल ऐसे जैसे पानी फ्लो करता है। इलेक्ट्रिक करंट को हम सिंबल I से रिप्रेजेंट करते हैं और ये बराबर होता है टोटल कितना चार्ज फ्लो किया एक गिवन टाइम में। इसके यूनिट्स कूलम ओवर सेकेंड हैं, जिनको हम एम्पेयर कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स एन इलेक्ट्रिक करंट? करंट क्या होता है? चार्ज पर यूनिट टाइम, चार्ज कूलम में और टाइम सेकेंड्स में। तो ऑप्शन बी कूलम्स पर सेकेंड सही है, बाकी सब गलत हैं। जूल्स पर सेकेंड किसी और चीज की यूनिट है। करंट की डेफिनेशन है टोटल चार्ज इन टोटल टाइम, और इसके यूनिट्स हैं कूलम पर सेकेंड या फिर एम्पेयर्स। If the number of coulomb per second through a wire of 10 ohm resistance across a 120 volt line is 12, current flowing through it is. अब उन्होंने हमें बता दिया कि coulomb per second में जो चीज है वो है 12. Coulomb per second में current होता है, तो 12 ampere basically यही इसका answer है। इसके अलावा बाकी सारी चीजें extra information है कि wire की resistance 10 ohms है और उसके गिर जो potential है वो 120 वोल्ट है। इससे भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हम ओहम्स लॉ यूज करें, जो कि अभी हमने नहीं पढ़ा, मगर इस क्वेश्चन को विदाउट ओहम्स लॉ यूज किए भी सॉल्व किया जा सकता है, क्योंकि उन्होंने हमें कूलम्स पर सेकंड में बताया हुआ है कि 12 नंबर ऑफ कूलम्स पर सेकंड इज 12, तो करंट हमारा 12 है। इलेक्ट्रिकल करंट इज द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। तो किसी चीज को पर यूनिट टाइम लें तो हम उसको कहते हैं रेट। रेट का मतलब होता है किसी चीज को आप टाइम के हिसाब से, टाइम के रेफरेंस से मेजर कर रहे हैं। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू अ कंडक्टर, या सिर्फ फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू अ कंडक्टर, या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या फ्लो ऑफ प्रोटॉन्स। करंट किसी भी चार्ज कैरियर के फ्लो की वजह से हो सकता है, तो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का जरूरी नहीं है। फ्लो ऑफ चार्जेस सिर्फ फ्लो ऑफ चार्जेस करंट नहीं होता, करंट रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस होता है, यानी फ्लो ऑफ चार्जेस कितने टाइम में फ्लो कर रहे हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ कोई भी जो चीज होती है उसको जिसको हम टाइम के रेफरेंस से देखते हैं उसको हम रेट ऑफ चेंज ऑफ कह देते हैं। जैसे वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। इस तरह करंट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, चार्ज पर यूनिट टाइम। चार्ज पर यूनिट टाइम थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इज चार्ज पर यूनिट टाइम, हमारा इलेक्ट्रिकल करंट होता है। कैपेसिटेंस नहीं होती, इलेक्ट्रिकल पावर नहीं होती, हमें पता है पोटेंशियल डिफरेंस कुछ और होता है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? जूल्स पर कूलम में मेजर किया जाता है, पावर वॉट्स में मेजर की जाती है, कैपेसिटेंस की कुछ और यूनिट्स होती हैं। चार्ज इज इक्वल टू सी टाइम्स वी, तो कैपेसिटेंस की यूनिट कूलम ओवर वोल्ट्स होती है। करंट चार्ज पर यूनिट टाइम होता है, इससे हम यूनिट से भी देख सकते हैं चार्ज पर यूनिट टाइम की क्या यूनिट्स होती हैं, कूलम पर सेकेंड। 1 एम्पेयर करंट फ्लोज थ्रू 2 मीटर लॉन्ग कंडक्टर, चार्ज फ्लो थ्रू दिस इन 1 आवर विल बी। हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज है जो कि करंट होता है, एम्पेयर बराबर होता है कूलम पर सेकेंड में। हमारे पास उन्होंने हमसे चार्ज पूछा हुआ है कि टोटल चार्ज कितना फ्लो करेगा। 2 मीटर लॉन्ग कंडक्टर, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास रेट है, हमारे पास करंट बराबर होता है चार्ज पर यूनिट टाइम। हमारे पास टाइम है, हमारे पास रेट है, तो हम इन दोनों को सिंपली मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 एम्पेयर मल्टीप्लाइड बाय 1 आवर को हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि एम्पेयर कूलम पर सेकंड होता है, इसलिए हमें सब कुछ सेकंड्स में चाहिए। 3600 सेकंड्स के बराबर होता है एक 1 आवर, तो ये टोटल चार्ज के बराबर आ जाएगा, जो कि 36 कूलम बनता है, ऑप्शन ए।
अगर हमारे पास एक सोर्स और सिंक है, जिस तरह हमने कहा, और उनके बीच में एक कंडक्टर है, और सोर्स हाई पोटेंशियल पे है, सिंक लो पोटेंशियल पे है, तो हमने पढ़ा था कि हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे सारे इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे, तो फिर जब वो हाई से लो पे चले जाएंगे तो इन दोनों के दरमियान फिर पोटेंशियल डिफरेंस खत्म हो जाएगा। एक पॉइंट के बाद ये दोनों सोर्स और सिंक एक ही पोटेंशियल पे आ जाएंगे, क्योंकि हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे सफर कर लिया इलेक्ट्रॉन्स ने। मगर हम चाहते हैं कि ऐसा ना हो, हम चाहते हैं इस कंडक्टर में से करंट मुसलसल फ्लो करता रहे। इसके लिए हमें ज़रूरत है कि सोर्स और सिंक के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो मुसलसल बरकरार रहे। ये हम कैसे कर सकते हैं? सोर्स के अंदर से जो हमने कहा इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं वो हाई पोटेंशियल के ऊपर होते हैं, 5 जूल्स पर कूलम के ऊपर होते हैं, और सिंक तक पहुंचते हैं तो वो लो पोटेंशियल पे चल जाते हैं, 2 जूल्स पर कूलम पे चल जाते हैं। अगर मैं इन इलेक्ट्रॉन्स को लूं और वापस सोर्स में भेजूं, और सोर्स के अंदर कोई ऐसी चीज है जो इन लो पोटेंशियल वाले इलेक्ट्रॉन्स जो अब 2 जूल्स पर कूलम पे हैं उनको उठा के दोबारा से 5 जूल्स पर कूलम पे ले आए, इसका मतलब क्या है? इसको हम अगर मिसाल के तौर पर देखें, मेरे पास जमीन पे कुछ बॉल पड़े हुए हैं और मेरे पास एक टेबल है, मैं एक बॉल को उठा के टेबल के ऊपर रख देती हूँ तो इसके ऊपर मैं वर्क परफॉर्म करती हूँ, उसके अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है जब ये ऊपर जाता है, और फिर जब मैं इस बॉल को ऊपर से नीचे अगर भेजती हूँ तो ये खुद ब खुद नीचे जाएगा, जिस तरह इलेक्ट्रॉन्स खुद ब खुद हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ सफर करते हैं। फिर जब ये लो पोटेंशियल पे आ जाए तो फिर मेरा जो सोर्स है, यहाँ पर एक सोर्स हो जो इस लो पोटेंशियल वाले इलेक्ट्रॉन्स को ले, या इस केस में बॉल को ले और वापस ऊपर रखते हाई पोटेंशियल पे। तो सोर्स एक ऐसी चीज है जिसके अंदर जो चार्ज कैरियर्स या इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं वो लो पोटेंशियल पे होते हैं और ये उनको हाई पोटेंशियल पे लेके जाता है। हाई पोटेंशियल पे लेके जाने का क्या मतलब है? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स की बढ़ा देता है। सोर्स ऐसा कैसे करता है? एनर्जी कैसे लेके कहाँ से लेके आता है उन इलेक्ट्रॉन्स को देने के लिए? हमने पढ़ा था कि एनर्जी क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं की जा सकती, एनर्जी हम किसी और फॉर्म से कन्वर्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो ऐसे हमारे पास बहुत सारे सोर्सेज होते हैं, जिनमें से एक है बैटरी या सेल। ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। बैटरी या सेल के अंदर एक इलेक्ट्रोलाइट होता है, एक एनोड और कैथोड होता है, और इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं, इसके अंदर जो केमिकल एनर्जी होती है ये उसकी मदद से उन इलेक्ट्रॉन्स को लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पे ट्रांसफर कर देता है। तो अगर मेरे सोर्स की जगह एक बैटरी लगी हुई होगी तो वो उसमें से जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे वो हाई पोटेंशियल के ऊपर होंगे। इसके अलावा हमारे पास सोलर सेल्स होते हैं। सोलर सेल्स कैसे चलते हैं कि वो एक ऐसा मटेरियल होता है जो लाइट को एब्जॉर्ब करता है, और उस लाइट को उस मटेरियल के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स एब्जॉर्ब करते हैं और वो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पे चले जाते हैं। इसके अलावा हम मैकेनिकल एनर्जी को भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं जनरेटर की मदद से, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स के प्रिंसिपल पे काम करते हैं, जिसको हम आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। इसके अलावा थर्मल एनर्जी को भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है। ये सब सोर्सेज हैं जो हम इलेक्ट्रिकल सोर्सेज के तौर पे यूज करते हैं, जो और किस्म की एनर्जीज को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं और इलेक्ट्रॉन्स को वापस हाई पोटेंशियल पे ले आते हैं, ताकि वो जब सोर्स से निकलें तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे जाएं और हमारा करंट फ्लो हो। डायरेक्शन ऑफ करंट बाय कन्वेंशन पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ ली जाती है, क्योंकि जब करंट डिस्कवर हुआ उस वक्त लोगों को ये भी नहीं पता था कि किस चार्ज कैरियर्स क्या हैं जिनकी वजह से करंट फ्लो हो रहा है, तो उन्होंने पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट की डायरेक्शन ली। मगर बाद में भी इसको चेंज करने की ज़रूरत पेश नहीं आई, क्योंकि हम डायरेक्शन ऑफ करंट कोई भी ले, हमारी कैलकुलेशंस के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता इससे, और पूरी दुनिया में एक जैसा स्टैंडर्ड रखने के लिए अब पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट की डायरेक्शन ली जाती है। मसलन अगर एक कंडक्टर है हमारे पास जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करंट फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज हैं, उनके लिए हाई पोटेंशियल नेगेटिवली चार्ज प्लेट है और पॉजिटिव प्लेट लो पोटेंशियल के ऊपर है, तो उनका फ्लो हाई से लो की तरफ होगा। नेगेटिव प्लेट उनको रिपेल करेगी, पॉजिटिव प्लेट उनको अट्रैक्ट करेगी। मगर हम इसकी डायरेक्शन भी पॉजिटिव टू नेगेटिव लेते हैं, और हमारी कैलकुलेशंस के ऊपर कोई असर इसलिए नहीं होता कि इस डायरेक्शन में अगर 5 mA करंट फ्लो कर रहा है तो अगर हम डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं तो सिर्फ हमारा साइन चेंज होता है, -5 mA बन जाता है, और सब कैलकुलेशंस की साइन ऑपोजिट हो जाते हैं और नेट इफेक्ट सेम रहता है। इसलिए डायरेक्शन ऑफ करंट आर्बिट्ररी है, हम लिटरल डायरेक्शन नहीं लेते जो चार्ज कैरियर्स की है, बल्कि हम हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट की डायरेक्शन लेते हैं। जब एक चार्ज साकेत होता है, एक जगह पे खड़ा होता है, तो उसके गिर्द कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। मगर वही चार्ज अगर मूव करे तो
तो उसकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है जो उसके परपेंडिकुलर होती है उसके डायरेक्शन ऑफ मोशन के, और हम राइट हैंड रूल से उसकी डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं. मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज के गिर्द हमेशा मैग्नेटिक फील्ड होती है. अगर हम मैग्नेटिक फील्ड डिटेक्ट करें किसी वायर के गिर्द, तो इसका मतलब है कि उसके अंदर से चार्ज फ्लो कर रहा है. यानी करंट अगर हम देखना चाहते हैं किसी वायर में से फ्लो कर रहा है, तो हम मैग्नेटिक फील्ड मेजर करके बता सकते हैं. इसके अलावा करंट के क्या इफेक्ट होते हैं? करंट की वजह से हीट प्रोड्यूस होती है, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे होते हैं तो उनके रास्ते में मॉलिक्यूल्स, एक मटेरियल होता है उसके अपने मॉलिक्यूल्स होते हैं, एटम्स होते हैं सॉरी, और इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन इनके बीच बीच में से मूव कर रहे होते हैं. तो ये इन एटम्स या मॉलिक्यूल्स के साथ टकराते हैं. जब ये टकराते हैं तो इनके अंदर मोमेंटम ट्रांसफर करते हैं, और इन एटम्स की इंटरनल एनर्जी या जो इनकी वाइब्रेशन है वो बढ़ जाती है, इनकी इंटरनल एनर्जी ज़्यादा हो जाती है. और हमने चैप्टर 11 पिछली बुक में पढ़ा था कि जब मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है तो फिर टेम्परेचर बढ़ जाता है, हीट प्रोड्यूस होती है. ये हीट बराबर होती है I²RT, यानी अगर I करंट फ्लो कर रहा है, रेजिस्टेंस उस वायर की R है, टाइम T में I करंट फ्लो कर रहा है तो उसके अंदर इतनी हीट प्रोड्यूस होगी. तीसरा इफेक्ट करंट का क्या होता है कि कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं, लिक्विड्स होते हैं, जिनको अगर मैं इसके अंदर एक पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोड डाल के करंट फ्लो कराऊं, तो ये जो लिक्विड है ये आयनाइज हो जाता है, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस में कन्वर्ट हो जाता है. इसके मॉलिक्यूल्स के ऊपर या पॉजिटिव चार्ज आ जाता है या नेगेटिव चार्ज आ जाता है. ऐसे मटेरियल को हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, और जो पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको हम आयंस कहते हैं. तो इसको हम कहते हैं आयनाइज हो गया वो लिक्विड. और फिर इस लिक्विड के अंदर चूंकि हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज आयंस होते हैं, फिर वो करंट फ्लो कराते हैं. तो इन सब इफेक्ट्स के जरिए हम देख सकते हैं कि किसी चीज़ में करंट फ्लो कर रहा है. अभी हमने देखा कि लिक्विड्स में से भी करंट फ्लो कर सकता है, ऐसे लिक्विड को हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं आयंस के जरिए. इसके अलावा हमें पता है कि कंडक्टर्स जो सॉलिड होते हैं उनके अंदर से तो करंट फ्लो करता ही है इलेक्ट्रॉन्स के जरिए. इसके अलावा हवा में से भी करंट फ्लो कर सकता है अगर हवा को आयनाइज कर दिया जाए. उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा हाई पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए. जब बिजली गिरती है हवा में से, बादलों में से, तो क्या होता है कि बादल एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे होते हैं और ज़मीन दूसरे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे होती है, और इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस इतना ज़्यादा हो जाता है कि बीच की हवा आयनाइज हो जाती है. उसके पार्टिकल्स पॉजिटिव या नेगेटिव, उनके ऊपर चार्ज आ जाता है, जिसकी वजह से हवा में से बिजली फिर ट्रांसफर हो जाती है. इसलिए हवा में से भी इलेक्ट्रिकल करंट गुजर सकता है. द इलेक्ट्रिक करंट इन अ कंडक्टर इज ऑलवेज ड्यू टू ड्रिफ्ट ऑफ. इलेक्ट्रिक करंट एक कंडक्टर में, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स करंट फ्लो करा रहे होते हैं, तो फिर वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की वजह से होते हैं. प्रोटॉन्स फ्लो नहीं कराते, प्रोटॉन्स अपनी जगह पे रहते हैं, उनके गिर्द कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो फिक्स होते हैं, और कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो आउटर वाले ऑर्बिट्स में होते हैं, जो लूज हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं, फिर वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स करंट फ्लो कराते हैं. प्रोटॉन्स नहीं करा सकते. आइंस जो हैं वो इलेक्ट्रोलाइट या लिक्विड या हवा में करंट फ्लो कराते हैं, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स करंट फ्लो कराते हैं, एटम्स भी फ्लो नहीं कराते हैं. एटम्स, तो इस पूरी चीज को हम एटम कहते हैं जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज होते हैं. द करंट थ्रू अ मेटालिक कंडक्टर इज ड्यू टू द मोशन ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स या फ्री इलेक्ट्रॉन्स. अब हमने पहले देखा कि प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन्स की वजह से करंट नहीं होता फ्लो. इलेक्ट्रॉन्स या फ्री इलेक्ट्रॉन्स में से कौन सा ऑप्शन ज्यादा मुनासिब है? कंडक्टर का क्या स्ट्रक्चर होता है? एटम्स होते हैं, बीच में प्रोटॉन होता है जिसके गिर्द इलेक्ट्रॉन गर्दिश कर रहा होता है, और कुछ इलेक्ट्रॉन जो बाहर के ऑर्बिट्स में होते हैं वो बहुत लूजली बाउंड होते हैं और वो इस ऑर्बिट में से आज़ाद हो जाते हैं, उनको हम कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स. ये जो एटम्स होते हैं, प्रोटॉन्स और इनके गिर्द जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये अपनी जगह से हिल नहीं सकते. सिर्फ वो इलेक्ट्रॉन्स जो इस ऑर्बिट में से निकल जाते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, सिर्फ वो इस पूरे मटेरियल के अंदर से सफ़र कर सकते हैं, और उन्हीं के मूवमेंट को हम करंट कहते हैं. तो करंट फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ट्रांसफर होता है. जो इलेक्ट्रॉन्स इस एटम के साथ बाउंड होते हैं वो अपनी जगह से हिल नहीं सकते, उनकी वजह से करंट फ्लो नहीं होता. इसलिए ऑप्शन डी हमारा ठीक है.